आज चुनाव नतीजों पर पार्टी का पक्ष रखने के लिए कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सीपीसी चेयरपर्सन सोनिया गांधी और सांसद राहुल गांधी मौजूद रहे। इस दौरान इन तीनों दिग्गजों ने चुनाव नतीजों को लेकर अन्य मुद्दों पर पार्टी का पक्ष रखा। तो क्या कुछ कहा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जानिए इस रिपोर्ट में। आज लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आ गए। इन नतीजों में पिछली बार की तुलना में कांग्रेस ने बड़ी छलांग लगाई। 2019 की तुलना में इस बार कांग्रेस के वोट शेयर में जबरदस्त इजाफा हुआ। इसी सिलसिले में आज कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सीपीसी चेयरपर्सन सोनिया गांधी और सांसद राहुल गांधी मौजूद रहे। सबसे पहले पार्टी अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि आज जो नतीजे आए हैं वो जनता और लोकतंत्र की जीत है। हम पहले ही कह रहे थे कि ये लड़ाई मोदी बनाम जनता है। इस बार जनता ने किसी एक दल को पूर्ण बहुमत नहीं दिया। सत्ताधारी दल भाजपा ने सिर्फ एक व्यक्ति के चेहरे पर वोट मांगा। आज ये साफ हो गया है कि ये जनादेश नरेंद्र मोदी के खिलाफ है। ये हार नरेंद्र मोदी की नैतिक हार है। तो वहीं सांसद राहुल गांधी ने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ताओं और देश की जनता ने संविधान को बचाने का काम अपने हाथों में ले लिया है। राहुल ने मोदी अडानी पर भी तंज कसते हुए कहा कि आज स्टॉक मार्केट ने भी संदेश दे दिया कि मोदी जी गए तो अडानी जी गए। राहुल ने आगे कहा कि आज की जनादेश से जनता ने बीजेपी और नरेंद्र मोदी को सिरे से नकार कर बड़ा संदेश दिया है। आखिर में संविधान की प्रति हाथ में थामे हुए राहुल गांधी ने कहा कि इसे बचाने का काम मुख्य रूप से देश के गरीब आदिवासियों, किसानों, पिछड़ों और मजदूरों ने किया है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।